अस्सलाम वालेकुम ऑल फ्रेंड्स एंड कोलीग्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और वेलकम टू शेफ सारा हाउस किचन में। आज मैं आपके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आई हूँ और आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ वो है बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और आप सबको बहुत पसंद आएगी। जो अमूमन अपना वेट लूज करना चाहते हैं उनके लिए तो ये बहुत ही बेस्ट है। ये सालसा रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ और ये बहुत टेस्टी होता है। आप वेजिटेबल सालसा भी बना सकते हैं, फ्रूट सालसा भी बना सकते हैं, आप खाली अकेला एप्पल सालसा भी बना सकते हैं। तो आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी ये है हमारा वेजिटेबल सालसा। तो इनमें जो जो इंग्रेडिएंट्स आपको चाहिए वो सारे इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, ये है हमारे पास स्मॉल डाइस में कटी हुई ऑनियन, ठीक है। ये एक ऑनियन है जो मैंने ली है और ये एक पोटैटो है हमारा, देखें ये भी मैंने बॉईल किया हुआ है और छोटा छोटा। इसके अलावा हमारे पास अगर आप देखें तो ये हमारे पास है कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च, ये दो किप शिमला मिर्च हैं, आप अपनी एज अ चॉइस से एक भी डाल सकते हैं। ये हमारे पास है दो एप्रिकॉट्स हैं यानी कि आड़ू, ये भी दो हैं आपके पास और इनको भी मैंने स्मॉल डाइस कटिंग में काटा हुआ। ये हमारे पास एप्पल है, एप्पल को मैंने विनीगर में ऐड करके इसको इसलिए दिया ताकि ये काला ना हो, ये भी दो एप्पल्स हैं। इसके अलावा ये है आपके पास कुकम्बर, इनको आपने सीडलेस करना है, फिर स्मॉल डाइस कटिंग कर लेनी है। और ये है आपके पास टमाटोज, गौर से देखें ये हमारे पास स्मॉल डाइस में कटे हुए टमाटोज हैं। इसके अलावा आपको इसमें केचप चाहिए 3 टेबलस्पून, 2 टेबलस्पून आपको ऑयल चाहिए। अगर आपके पास ये ऑयल इस्तेमाल नहीं करना चाहते और ऑलिव ऑयल तो बहुत ही बेस्ट है, आप वो यूज़ कर सकते हैं 2 टेबलस्पून। इसके अलावा आपको चिली गार्लिक सॉस चाहिए 1 टेबलस्पून, 1 टीस्पून आपको ब्लैक पेपर क्रश चाहिए, 1 टीस्पून सॉल्ट चाहिए और ये आपको कुछ लीव्स नज़र आ रहे होंगे मिंट के, ये देखें ये मिंट है, ये भी आपको थोड़े से लीव्स चाहिए होंगे। तो ये आज हमारे वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो के हमारे साथ आज सालसा में यूज़ होंगे। आप इसमें ऑप्शनली ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ऑलिव ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो आप सिंपल कुकिंग ऑयल के भी 2 टेबलस्पून डाल सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट, अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ही इजी और झटपट रेसिपी है। आपने सिर्फ ये जो कटिंग की हुई है यही एक काम है इसमें, बाकी तो आपने सारी मिक्सिंग ही करके उसे असेंबलिंग देनी है। तो आइए अब हम अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक आपने प्लेन बॉल ले लेना है और उसके अंदर अब हमने ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये मैंने इसमें आड़ू डाले हैं, फिर आपने इसमें कुकम्बर ऐड करना है, अब आपने शिमला मिर्च ऐड करनी है। देखिए शिमला मिर्च मैंने 2 टेबलस्पून के करीब ली है कि जो आप अपनी चॉइस पर है कि इसे ज़्यादा डालना है कि नहीं, ठीक है। ये ऑनियन, ये टमाटोज, और विनीगर में मैंने जो एप्पल जो थे आपको बताया डिप किए हुए थे, इससे एप्पल काले नहीं होते। अगर आपके पास विनीगर नहीं है तो आप लेमन जूस भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको नज़र आ रहा हो तो देखें ये सारी आपकी वेजीज आ गई हैं इसमें। ये सालसा है, बहुत ही टेस्टी सालसा की रेसिपी मैं आज आपको दे रही हूँ। अब आपने क्या करना है, इसमें अपनी स्पाइस ऐड करने हैं। 1 टीस्पून जैसे मैंने आपको बताया था ब्लैक पेपर, सेम 1/2 टीस्पून आपका नमक, 1 टेबलस्पून हमारी चिली गार्लिक सॉस और ये हमारे पास 3 टेबलस्पून केचप। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसमें ऑलिव जो है ऑलिव ऑयल का यूज़ करना है वो कर लें।
सिंपल ऑयल करना चाहें तो वो कर लें, 2 टेबलस्पून डाल लें। ऑलिव ऑयल से ये होगा कि जो लोग डाइट के लिए यूज़ कर रहे हैं उनके लिए ज़रा ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। यह आपका मिंट, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। अब हम अपना जो सालसा है वो एक प्रेजेंटेशन जो बॉल है उसमें से हम निकालते हैं और मैं आपको इसकी प्रेजेंटेशन दिखाती हूँ। और ये बहुत टेस्टी सालसा हमारा बना है और आपको ज़रूर मेरी रेसिपी भी पसंद आएगी, तो इंशाल्लाह ताला मैं इसे सर्विंग बॉक्स में जो है वो रख के आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखें, ये हमारी प्रेजेंटेशन बॉल जो है वो तैयार हो गया सालसा का। और आज मैंने आपके साथ जो रेसिपी शेयर की है वो वेजिटेबल सालसा की है, और इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह ताला हम अपनी न्यू रेसिपी के साथ अब मैं आऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह निगहबान।